ओके, सो लेट्स कैलकुलेट सम लिमिट्स। तो हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, वेयर एफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो एक्स ले लिया हमने ये, और ये हो गया एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास में? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, मतलब कि हमको 3 को अप्रोच करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम कैसे जाएंगे? लेट से आपने वैल्यू रख दिया 2.9, तो 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा? 0.9। फिर हमने वैल्यू रख दिया 2.99, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.99 क्या जाएगा? दैट इज 0.99। क्लियर है बात? देन 2.999 रखा, तो वैल्यू क्या आ गया? 0.999 आ गया। फिर आप देखो 2.9999 जब आप एक्स रख दोगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा 0.9999 इस तरह से। तो अब आप देखो टेंडेंसी क्या है। कई बार तो क्या होगा, लिमिट का जो है डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है 0.9 से फिर 0.99, फिर 0.999, फिर ये 0.9999, इस तरह से ये 0.99999 आ जाएगा अगर हमने यहाँ पर 2.9999 लिया होता तो। ठीक है, तो हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और बहुत पास जाने की कोशिश कर रहे हैं 3 के। तो उस क्रम में जो एफ एक्स जो है वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है आप देखो, तो 0.9, फिर 0.99, फिर 0.999। तो ये जो है एफ एक्स जो है, जब आप एक्स को 3 की तरफ ले जा रहे हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स 3 माइनस, मतलब कि 3 की तरफ हम जा रहे हैं, माइनस 3 की तरफ जा रहे हैं हम जब लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 माइनस की तरफ जब एक्स जो है अप्रोच कर रहा है, बेसिकली जा तो रहा है 3 की तरफ, लेकिन हम 3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए हम 3 के ऊपर में माइनस रख दिया। ठीक है, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है? एफ एक्स जा रहा है 1 की तरफ। तो ये जो टेंडेंसी है इसकी 1 के तरफ जाने की, उसी को हम उसका लिमिट बोलते हैं। तो हमारे पास में लिमिट एल एच एल क्या आ गया? एल एच एल आ गया आपके पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 1। तो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बस हम देखते हैं कि टेंडेंसी क्या है, किस नंबर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 जो है वो तो क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये डिफरेंट बात है। हम यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब हम एक्स को 3 की तरफ टेंड करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है। तो ये दोनों जो है वो एकदम डिफरेंट बात है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिट का जो वैल्यू है वो क्या है, जब आप एक्स को 3 की तरफ लेकर जा रहे हो, तो एफ एक्स किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एल एच एल है वो क्या आ गया आपके पास में? एल एच एल आ गया 1। ठीक है, तो किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना, और लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू ए अगर उस नंबर की तरफ जा रहा है, सो दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वेयर ये तो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो अगर हम एक्स को 7 की तरह, मतलब कि अगर हम एलएचएल की बात करें, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो जब आप यहाँ से समझो, जब ये एक्स इज इक्वल टू 7 है, अब आप माइनस की तरफ से जा रहे हो, तो लेट से ये 6 है, तो अब आप क्या लिखोगे? 6.1 लिखोगे, फिर 6.2 लिखोगे, फिर 6.3 लिखोगे, 6.4 लिखोगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.1 वो क्या आ जाएगा? 6, 6.2, 6, 6.3, 6, 6.4, 6। 6.9999 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी क्या मिलेगा अपन को? 6, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जो भी नंबर है जिसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाह रहे हो, वो नंबर अल्फा जो है वो जिन दो इंटीजर के बीच में है, अगर वो एम और एन के बीच में है अल्फा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा क्या होगा? एम हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अब आप देखो 7 माइनस जब आपने लिखा, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 7 माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास में? जैसे ही आपने 7 से थोड़ा सा भी छोटा नंबर रखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया आपके पास में? 6। तो लिमिट जो है एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ गया हमारे पास में 6। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब आप क्या वैल्यू रखोगे?
अब सेवन से आप आगे की तरफ की वैल्यू जो है, अब आप सेवन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेवन के आगे की तरफ तो हम इस तरफ जाने लग गए, नहीं भाई, अल्टीमेटली तो हमें सेवन की तरफ जाना है। तो आप जो वैल्यू रखना शुरू करोगे, सपोज करो 7.5 रखा, फिर आपने 7.4 रखा, फिर 7.3 रखा, फिर 7.0001 रखा, तो जब आप 7 की तरफ जा रहे हो, 7 की तरफ जा रहे हो, तो 7.000001 भी होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड से देखा कि क्या आ रहा है, जब हम एक्स को 7 की तरफ लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब कि जो LHL आपके पास में आया वो 6 आया, एग्जिस्ट कर रहा है LHL, LHL एग्जिस्ट अगर पूछा गया, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। RHL एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल होते तो लिमिट क्या जाता हमारे पास में, लिमिट जाता आपके पास में एक्सटेंडिंग टू 7 और जो भी इक्वल वैल्यू आ रही होती। लेकिन यहाँ पर तो RHL और LHL अलग अलग तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ गया हमारे पास में। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव टू इवेल्युएट द सिग्नम ऑफ एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ सिग्नम एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 0। अब हमको पता है, ग्राफ से भी पता है और वैसे भी, तो ग्राफ की अगर हम मदद लें तो सिग्नम ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, जैसे ही एक्स जो है वो 0 पर तो वैल्यू 0 होती है, 0 से आगे जाने पर सिग्नम ऑफ एक्स जो है वो 1 बन जाता है, पीछे जाने पर जो है वो -1 हो जाता है। तो ये -1 है, ये +1 है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पर, मतलब कि 0 से थोड़ा सा हम पीछे हुए, तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी हमको, -1 मिलेगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पर सिग्नम ऑफ एक्स जो है वो आ गया -1, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पर सिग्नम ऑफ एक्स जो है वो क्या आ गया, 0 प्लस पर वो वैल्यू आ गया आपके पास में 1, दैट इज। तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। RHL एग्जिस्ट कर रहा है पूछेगा, RHL एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सिग्नम ऑफ एक्स डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्स टेंडिंग टू 0 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम कॉट इनवर्स टी का ग्राफ बना लें, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये हो गया टी एक्सिस और ये हो गया कॉट इनवर्स टी एक्सिस, एफ ऑफ टी बोल दें अगर हम इसको, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनता है, कॉट इनवर्स ऑफ टी का ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से, ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया, पाई बाई टू, ठीक है। अब आप देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो LHL का मतलब हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 की तरफ जा रहे हैं लेकिन कहाँ से, माइनस से, ठीक है। तो जब हम 0 की तरफ माइनस से माइनस की तरफ से जा रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ देखें, देखो इस तरह से ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर का, तो ये वैल्यू जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं, देखो 0 की तरफ जब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, एफ एक्स भी कहाँ जा रहा है, एफ एक्स भी 0 की तरफ जा रहा है। जब हम राइट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एफ एक्स भी कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि लिमिट अगर हमको कैलकुलेट करना हो एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 0 आएगा क्योंकि RHL भी 0 है और LHL भी 0 है, हेंस दिस इज 0। तो यहाँ पर ये जो है ये नंबर तो 0 की तरफ ही जा रहा है, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। ये कॉट इनवर्स ऑफ 0 हो गया, इसका मतलब कि कॉट इनवर्स ऑफ 0 क्या आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ 0 क्या आ गया अपने पास में, पाई बाई टू, ठीक है।
अब जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा तब भी ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ जीरो, तो भी क्या आ गया पाई बाई टू। तो हमसे पूछा गया क्या आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, हमने कहा हाँ आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एल एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, हमने कहा हाँ एल एच एल भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में हमने बोला कि यस लिमिट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। क्यों, क्योंकि आर एच एल जो है और एल एच एल जो है दोनों में समझौता हो गया, दे आर इक्वल। सो इफ आर एच एल इक्वल टू एल एच एल हेंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारे पास में लिमिट का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई टू। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से अगर मैं इसको लिखूं, जैसे कि अगर हम टेन इनवर्स एक्स का ही ग्राफ बनाए, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ये हो गया, ये ग्राफ इजी है बनाना, तो हमने ये बना लिया। ओके, अब आप देखो ये जीरो है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वन अपॉन एक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब एक्स जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, मान लो जीरो प्लस से जा रहा है जीरो की तरफ, आप चाहो तो वन अपॉन एक्स का ग्राफ बना लो, ये आ गया वन अपॉन एक्स का ग्राफ। तो जब x जो है वो जीरो प्लस की तरफ से जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो tan इनवर्स में अगर हम प्लस की बात करें राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस पर ये बन गया tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन प्लस ऑफ इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ सॉरी जीरो प्लस, दिस इज इक्वलेंट टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स ऑफ प्लस ऑफ इन्फिनिटी। अब ये प्लस इन्फिनिटी का मतलब कहाँ जा रहा है, ये पाई बाई टू की तरफ, तो ये क्या आ गया आपके पास में पाई बाई टू आ गया, क्या आ गया पाई बाई टू। ओके, नाउ एल एच एल जो है वो अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जब आप रखोगे, तो जब आप जीरो माइनस की तरफ वन अपॉन एक्स से जाओगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। हैंस दिस विल बिकम टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन जीरो माइनस, विच इज सेम एज सेइंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस tan inverse of minus of infinity। या वैसे लिखना तो सही नहीं है बट ठीक है, समझने के लिए अगर हम बोलें तो जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है x माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपके पास में माइनस ऑफ पाई बाई टू की तरफ। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। आर एच एल एग्जिस्ट, यस। एल एच एल एग्जिस्ट, यस, बट दे आर नॉट इक्वल, हैंस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास में, does not exist, this does not exist, okay। और इसी को हम ऐसे भी समझ सकते थे, tan inverse of 1 upon x जो है वो cot inverse of x होता है, कब, if x is greater than 0, and tan inverse of 1 upon x जो है वो होता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। जब एक्स जो है स्मॉलर देन जीरो होगा तब ये जो है टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स जो है वो माइनस ऑफ पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो जब टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स में एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया, तो x अगर नेगेटिव हो गया तो tan इनवर्स में जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब जो अब जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से जीरो जाएगी, और cot इनवर्स x का रेंज जो है वो तो क्या होता है जीरो से पाई होता है, तो ये तो बराबर होंगे नहीं ये दोनों, तो केवल अगर मैं tan इनवर्स x को cot इनवर्स x के बराबर लिखना चाहूँ जब आर्गुमेंट नेगेटिव है तब, तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो फिर अगर हम जीरो से पाई में माइनस पाई अगर हम कर दें, जीरो से पाई में, अच्छा cot इनवर्स x को भी अगर हम टू बी प्रिसाइज लिखें तो cot इनवर्स x का जो रेंज है अगर x नेगेटिव है, cot इनवर्स x का जो रेंज है जब x जो है वो नेगेटिव है, तब आप देखो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए तो ग्राफ जो है cot इनवर्स x का कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में पाई, ये तो पाई बाई टू, ठीक है। तो आप देखो cot इनवर्स x जो है वो पाई बाई टू से पाई जाएगा व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अमेंड कर लिया हमने, तो यहां से हम लिखते हैं पाई बाई टू से
पाई। ओके तो अब जब x नेगेटिव है, व्हेन x इज नेगेटिव, तो tan इनवर्स 1 बाय x जो है, मतलब tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट है वो तो कहां से कहां, वो नेगेटिव है, तो वो जा रहा है माइनस पाई बाय 2 से 0 में, ठीक है, इस ब्रांच की बात हो रही है। ओके अब cot इनवर्स x जो है, जब x नेगेटिव है तो उसका ब्रांच तो यहां है पाई बाय 2 से पाई में, यहां जिस पे मैं एरो बना रहा हूं। ओके तो इसमें जब मैं माइनस पाई करूंगा, इसमें क्या करेंगे जब हम माइनस पाई, तो माइनस पाई करने पर ये आएगा माइनस का पाई बाय 2 और ये आएगा 0, तो ये माइनस के पाई बाय 2 से 0 में आ गया, जो कि यहाँ पर भी यही आ रहा था माइनस के पाई बाय 2 से 0 में, अब ये इक्वल हो गए। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, माइनस पाई करना पड़ा यहाँ पर, क्लियर है बात। तो अब अगर हम यहाँ से RHL में लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं RHL लिखूँ इन फॉर्मूलाज को यूज करके, RHL का मतलब कि x टेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट की बात हो रही है, तो जब 0 प्लस है तब तो ये इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 0 प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज सेम एज सेइंग cot इनवर्स x एंड लिमिट इज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2। cot इनवर्स x के ग्राफ में जब x 0 की तरफ जा रहा है कहां से, प्लस साइड से, तो वो क्या आ गया पाई बाय 2 आ गया। ओके अब जब अगर हम LHL की बात करें तो LHL के केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब 0 माइनस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x जो है, अब वो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x, अब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है यहाँ पर तो cot इनवर्स x का ग्राफ, cot इनवर्स x का ग्राफ ये वाला, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है पाई बाय 2 ही जा रहा है, बट आगे में माइनस पाई हो गया, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 विल गिव यू माइनस ऑफ पाई बाय 2। तो LHL जो है वो क्या आ गया, LHL आ गया आपके पास में, LHL, तो LHL जो है वो आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ पाई बाय 2। RHL एग्जिस्ट कर रहा है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितना आ गया आपके पास में, RHL आ गया आपके पास में पाई बाय 2, बट क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट तो क्या आ रहा है आपके पास में, लिमिट आ रहा है आपके पास में डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि LHL और RHL दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इन फॉर्मूलाज को अगर आप याद रखोगे, और अगर याद नहीं है तो उसके पीछे जो लॉजिक जो है, क्यों माइनस पाई हो रहा है, क्यों ये सेम एज इट इज आ जा रहा है, वो आप उनकी RHS और LHS की जो रेंज है उनको अगर आप एक बार कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ओके नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x। अब आप देखो, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड, मतलब कि हमको तो 0 प्लस h पर और 0 माइनस h पर मतलब है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब आप देखो sec ऑफ x का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो सबसे बढ़िया है आप cos बना लो पहले, तो ये आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में cos, ये आ गया आपके पास में sec, ये आ गया sec ऑफ x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, 0 पे वैल्यू 1, तो ये आ गई आपके पास में लाइन y इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब आप 0 की तरफ राइट हैंड साइड से जाओ या लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, तो sec x का वैल्यू जब आप राइट हैंड साइड से जाओगे, 0 से थोड़ा सा आगे जैसे ही जाओगे, तो sec x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा आगे जाएगी, थोड़ा सा आगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो वो वापस से उसको नीचे ले आएगा, कहाँ पर, 1 पर। इसी तरह से जब हम 0 पर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, तो जो sec x का जो ग्राफ है वो 1 से थोड़ा सा ऊपर उठा है, भाई 0 प्लस पर भी वो 1 से थोड़ा सा ऊपर है और 0 माइनस पर भी 1 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो उनके ऊपर 1 से थोड़ा सा ऊपर उठने पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब x 0 प्लस होगा, जब x 0 प्लस होगा तो sec x जो है वो 1 प्लस होगा, तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से जब x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा, जब मतलब आप 0 को नेगेटिव साइड, मतलब कि हाँ यहाँ पे बोल ही सकते हैं नेगेटिव साइड पर, 0 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, तो sec x जो है वो 1 से तो अभी भी बड़ा है, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऐसा है, ठीक है ना।
तो वन जीरो से आगे चले तो भी ऊपर जा रहा है, जीरो से पहले चले तो भी ऊपर जा रहा है, वो तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो जीरो से आगे तो भी वन से ऊपर, और जीरो से पहले तो भी वन से ऊपर, तो ये जो है ये तो वन प्लस हो गया, मतलब कि वन से थोड़ा सा बड़ा, और जैसे ही वन से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उसको क्या बना दिया, वन। क्लियर है बात। तो यहाँ से एल एच एल जब आप लिखोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो माइनस साइन इनवर्स ऑफ सेक ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आ गया आपके पास में वन। तो साइन इनवर्स वन का वैल्यू, साइन इनवर्स वन का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर बनाओगे तो साइन इनवर्स वन का वैल्यू आपको क्लियरली दिख जाएगा कितना, पाई बाई टू। तो ये आ गया आपके पास में पाई बाई टू। और आर एच एल की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पर साइन इनवर्स ऑफ और सेक ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो गया, वो तो फिर से वन हो गया। तो ये आ गया साइन इनवर्स वन, सो अगेन इट इज पाई बाई टू। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एल एच एल एग्जिस्ट कर रहा है सबसे पहले, बिल्कुल कर रहा है। आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू पाई बाई टू वी कैन से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी थी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू वन पर वन है, वन प्लस पर भी वन है, और वन माइनस पर भी वन है। क्लियर है बात, ओके। नाउ